नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है राज्यसभा में शिवसेना के सदस्य और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके लीडर संजय राउत की। राउत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधी बात करनी पड़ेगी आपको। शिवसेना के लोग बाल ठाकरे जी सीधी बात करते कभी थे, कभी टेढ़ी भी करते थे। टेढ़ी भी कर लीजिए, वो भी चलेगी, पर उल्टी मत करिए कभी नहीं। क्योंकि आप इतने 30 साल से संपादक हैं, कई चीजें आपने लिखी जो कंट्रोवर्सी होती रही, तो मैं थोड़ा हिस्ट्री पढ़ रहा था। मेरे को लगता था कि संजय राउत जो है, अब क्या है उनकी आइडेंटिटी, क्या है? आप हिंदूवादी हैं, सेकुलरवादी हैं, जिसे कहते हैं आप हिंदू जीवी, जो अगर मोदी की लैंग्वेज यूज करें, या आप सत्ता जीवी हैं? बदलाव आ गया आपके एडिटोरियल्स में। देखिए, सत्ता जीवी तो हम कभी नहीं थे, सबको मालूम है। अगर हम सत्ता जीवी होते तो 25 साल तक बीजेपी के साथ इतनी प्यारी गहरी दोस्ती हमारी नहीं रहती। अगर सत्ता जीवी होते तो सिर्फ हम हिंदू जीवी जरूर रहे। बाला साहब ठाकरे जी का जो उल्लेख होता है, हिंदू हृदय सम्राट के नाम से लोग आज भी जानते हैं उनको। उनकी लोगों की श्रद्धा आज भी उनके ऊपर है, चाहे वो हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन लोग आज भी उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जब नाम लेते हैं तो सीना सभी का, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो हम हिंदू जीवी जरूर है, लेकिन हम शिवसेना इस संगठन से जुड़ी हमारी जनरेशन, वो उस वक्त जो हमारी लड़ाई चली महाराष्ट्र में, सन ऑफ सोइल, भूमिपुत्रों की लड़ाई, 1966 से शिवसेना जब शुरू हुई, वहाँ से जो 60 साल हो गए पार्टी को, 60 साल एक पार्टी चलाना, खड़ी रहना और यहाँ तक लाना, ये कोई आसान चीज नहीं है प्रभु साहब। नहीं, सत्ता जीवी तो हो गए ना, आपने कहा कि 25 साल बीजेपी के साथ रहे, सत्ता में रहे 10 साल, तो उसके बाद सेंटर में भी रहे और अब भी सत्ता के लिए सत्ता में है। आज सत्ता में है, उसका मतलब सत्ता जीवी नहीं, ये हमारी मजबूरी है। बहुत बार ये मजबूरी भी होती है, जब हम राजनीति में आते हैं तो हम साधु संत तो नहीं होते कोई भी। पहले बड़े मौके आए थे तब भी आप एनसीपी के साथ और कांग्रेस साथ समझौता कर सकते थे, 2004 में भी आया, प्रमोद महाजनब थे, लगता था कि हमने किसी के साथ सत्ता के लिए समझौता नहीं किया कि हमें सिर्फ सत्ता चाहिए, इसलिए समझौता। इस बार कांग्रेस समझौता क्यों किया? समझौता नहीं, मैंने कहा ना कि ये हमारे ऊपर बीजेपी ने थोप दिया। थोप दिया आपको, उनकी तरफ धकेल दिया, हमको धकेल दिया कि आपको, अब हम आपके साथ रहना नहीं चाहते। 2014 में गठबंधन हमने नहीं तोड़ा बीजेपी के साथ, बीजेपी ने हमारा गठबंधन तोड़ा है। हम तो कहते थे कि हम हिंदू एक विचारधारा लेकर एक साथ आए, बाला साहब, अडवाणी साहब, प्रबोध महाजन, वाजपेयी जी, और अब मोदी जी की लहर आपको दिखती है, इसलिए आप हमारे साथ इस प्रकार से व्यापार व्यवहार करते हो सीट बंटवारों का, ये ठीक नहीं है। जो भी जायज है हम एक दूसरे के साथ बांट कर। सीट बंटवारा भी सत्ता का पार्ट है ना, कि आपको ज्यादा सीटें चाहिए तो आपको सत्ता मिल जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र में एक फॉर्मूला हमेशा बना रहा था। ये फॉर्मूला ऐसा था, बाला साहब ठाकरे जी का एक फॉर्मूला हमेशा रहा कि किसी भी हालत में दिल्ली में बीजेपी की सत्ता होनी चाहिए, चाहे हमें दिल्ली में कुछ मिले या ना मिले, महाराष्ट्र में हम काम करेंगे। दिल्ली में आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपका आदेश जरूर मानेंगे, आप जो कहे हम ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करेंगे, जहाँ हमारा समर्थन चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में हमें काम करने दीजिए, महाराष्ट्र में हम बड़े भाई हैं। हाँ, आप चीफ सेक्रेटरी आप ही बने, बीजेपी वाले नंबर टू थे आपके साथ हमेशा। लेकिन अचानक ये फॉर्मूला बीजेपी को रास नहीं आया और महाराष्ट्र में भी हम रहेंगे, दिल्ली में भी हम रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस जब बने तो आपने मान लिया ना बीजेपी का भी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। देखिए, एक ऐसा सिचुएशन, कॉम्प्रोमाइज किया आपने, किया इसलिए कि हम ये नहीं चाहते थे कि एक गठबंधन जो टूटा था वो ज्यादा बिखर जाए। तो इस बार क्यों नहीं माना वो फॉर्मूला? नहीं, इस बार नहीं माना तो आपने सुना होगा कि उद्धव ठाकरे साहब ने जो बात कही और कैमरा के सामने देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह जी के सामने कही कि क्या पावर शेयरिंग 50-50। ये तो कैमरे के सामने की बात है। पावर शेयरिंग 50-50, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो नहीं कही थी ना। क्या मुख्यमंत्री पद क्या एनजीओ का पद है क्या? मुख्यमंत्री पद भी पावर है ना। पावर है पर तो मुख्यमंत्री पद पावर शेयरिंग मीन्स 50-50 मीन्स 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री। और ये बात एक बंद कमरे में जो बाला साहब ठाकरे जहां बैठे थे, आपने भी देखा है, मैंने इंटरव्यू किया उस कमरे में, बाला साहब के कमरे में अमित शाह जी और उद्धव जी की बात हुई है। ये उद्धव जी का कहना है, हम हमारे नेता पर विश्वास रखते हैं।
पर अमित जी ने शायद उसको डिनाई किया, 1.5 साल के बाद डिनाई किया है। 1.5 साल लगा ये डिनाई करने के लिए, लेकिन मैं मेरा नेता जो है उद्धव ठाकरे उसके ऊपर विश्वास रखता हूँ, क्योंकि आपके लिए वो कमरा होगा, हमारे लिए मंदिर है। नहीं, मंदिर ऐसे समझ क्या बात कि हम तो इतना भी कहने को तैयार है, अगर आपको शिवसेना का सम्मान रखना ही था तो ठीक है, 2 साल के लिए तो बोलिए, 1 साल के लिए तो बोलिए, बात तो करिए, लेकिन आप हमसे बात ही करने को तैयार नहीं कि ये ऐसी कोई बात हुई नहीं। और ये सब होने के बाद जब छोटी चीज नहीं लगती, सिद्धांत के मुकाबले में हिंदू पार्टियां दो बढ़ जाएं आपस में, एक इसलिए कि मैं 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बन जाऊं, ये लगता नहीं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज सत्ता का? नहीं, कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं किया है। आप ऐसा क्यों नहीं पूछते कि कॉम्प्रोमाइज बीजेपी ने भी किया है? अगर बीजेपी को हमें हमारे हिंदुत्व की इतनी चिंता होती तो सीधे आकर बात करती। हमने सरकार तो बना ली थी एक दिन के लिए, एक दिन की सरकार अंधेरे में बनी, अंधेरे में चली गई। अंधेरे में पाप होता है, पुण्य नहीं होता है। मैं आपसे बार बार इसे भी 30, मैं भी 40 साल से जर्नलिज्म में हूँ, जिस तरह का कॉम्प्रोमाइज इस बार हुआ है मेरे को याद है 2004 में, नहीं लगता कि हमने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। कॉम्प्रोमाइज क्योंकि मैं देखता हूँ सामने, मैंने आपने क्या लिखा, आपने पीपी के पानी राहुल गांधी या सोनिया गांधी की वो धज्जियां उड़ाई आपने संजय राउत के नाम से, अब उसमें क्या हो गया? देखिए जरूर संजय राउत बदल गए, राहुल गांधी बदल गए या सोनिया गांधी बदल गई, कोई तो बदला है ना? बदला है तो हमारी, आप उनके खिलाफ आप नहीं लिखते? नहीं नहीं ऐसे नहीं, अगर कोई बदला है तो हमारे प्रिय दोस्त बीजेपी बदली है। हाँ, वो तो बदल गए, पर कांग्रेस के प्रति बदलाव आपके अंदर भी आ गया ना? हमने कहा ना, ये अब ये सत्ता की मजबूरी नहीं होती, ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है जिसमें ये सब एक दूसरे के साथ जो लड़ने वाले लोग भी एक साथ आकर सत्ता में बैठ जाते हैं। किसी ने अपने आइडियोलॉजी नहीं छोड़े, हम आज भी हिंदुत्ववादी है और रहेंगे, कांग्रेस सेक्युलर है रहेगी, एनसीपी की अपनी आइडियोलॉजी है वो रहेगी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके ऊपर सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे हैं। तो आपको लगता है राहुल गांधी सोनिया गांधी जो कमी आप पहले देखते थे 5 साल पहले, वो कमियां अभी देखते हैं बंद कर दिया? आपने आंख बंद कर ली थोड़ी देर? देखिए आंख बंद कर ली ना, आंख नहीं बंद की, कान हमारी आंख खुली है। हमने उनको बहुत बार अभी जब मिलते हैं तो बात भी करते हैं, जैसे सावरकर जी का मुद्दा। हाँ, मैं बता दो ना, मैं तो कोई बात छुपाता नहीं। वीर सावरकर जी का मुद्दा आता है, आप क्या भारत रत्न दीजिए उनको? आज भी हम बोलते हैं कि भारत रत्न देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। आज भी जब उनके सावरकर जी का नाम गर्व से लेते हैं और जब कांग्रेस के नेता हमें मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये गलतियां बंद करो, इस वजह से कांग्रेस नीचे जा रही है। ये वीर सावरकर को विरोध करना या ज़्यादा ओवर सेकुलरिज्म दिखाना, उससे ना मुसलमान आपके पास है, ना हिंदू वोट आपके पास है, ना दलित आपके पास। मुख्यमंत्री के बाद उद्धव ठाकरे जी ने मोदी जी को लिखा कि इनको आप भारत रत्न दीजिए, सावरकर जी को लिखा ना? लिखा है, आप बार बार लिखा है और हम बार बार बोलते भी आए हैं। हमारे तेवर में हिंदुत्व के बारे में कोई ना कमी है ना कोई बदलाव। आप कांग्रेस का बदलाव क्यों नहीं करते? कांग्रेस बदल जाएगी धीरे धीरे, बदल राम मंदिर बन रहा है, उद्धव जी गए थे चुनाव से पहले 2 बार गए हम, हाँ उसके बाद नहीं गए शायद, उसके वजह नहीं गए ना मुख्यमंत्री होने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के इमीडिएटली बाद गए वहाँ पर। तो आप उनको बोलो को सारी ऑल पार्टी जो अगाड़ी आपकी है पूरी की पूरी, शरद पवार और सब जाए वहाँ पर। मुझे लगता है राम तो सब राम, देश का है ना, राम ये देश की अस्मिता है। मैं धर्म के नाम से राम को नहीं जोड़ूंगा, हम नहीं जोड़ेंगे, हाँ, देश की अस्मिता है। और हमारे साथ उस वक्त कांग्रेस के भी 2 मंत्री थे, आपको मालूम है, उद्धव जी गए थे अयोध्या में, तो कैबिनेट के 2 मंत्री थे कांग्रेस के, सबकी श्रद्धा और आस्था है, ये सिर्फ मंदिर का विषय नहीं, आस्था का विषय है। पवार साहब चुप है राम मंदिर के बारे में? देखो पवार साहब को इस झमेले में मत घसीटो, पवार साहब बहुत बड़े नेता है। तो मैं देख रहा था कि उद्धव जी और बाल ठाकरे दोनों के साथ मैंने सीधी बात की थी, उन्होंने क्लियरली कहा था बाल ठाकरे जी ने कि हम कांग्रेस से कभी भी कोई भी सपोर्ट नहीं मांगेंगे ना उनका, उनका कहना क्या था पता है? उन्होंने कहा था सोनिया जी के बारे में, वो तो इम्पोर्टेंट स्टाफ है और राहुल गांधी कल का पोपट है। सही बात है, बात कही होगी। अब अभी भी उसके ऊपर मानते हैं बात? अभी मानने की सवाल ही पैदा नहीं होता है। बोला ना मैं, परिस्थिति जब बदलती है तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती है, विचार नहीं बदलती, परिस्थिति बदल देती है आदमी को, सरकार को, सत्ता को, राजनीतिक दलों को, बहुत से। अब जिस भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या क्या बोला था, क्या क्या लिखा था, उनके साथ सरकार बना लेना, उसकी अपनी मजबूरी थी। हर एक राजनीतिक दल की एक ऐसा पॉइंट आता है कि मजबूरी थोड़ी होती है
और हम थोड़ी मजबूरियां तो आपकी बहुत कॉम्प्रोमाइज किया ना, इसलिए मेरे को हैरानी हो रही कि हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उद्धव ठाकरे जी ने मेरे 2009 में कहा जब सरकार चुनाव से पहले कि मैंने कहा आपकी सरकार बनेगी कि नहीं, हमारी सरकार बनेगी और हम पवार साहब की सपोर्ट नहीं लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पवार साहब का सपोर्ट लेकर 2014 में बीजेपी भी महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। जब हमारी और बीजेपी की बातचीत चल रही थी तो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले एनसीपी आई थी, तब एनसीपी और बीजेपी लगभग सरकार बनाने में तैयारी कर चुकी थी, और देवेंद्र जी ने तो अजीत पवार जी के साथ शपथ भी ली थी इस बार। पर आपकी पॉलिसी बदल जाएगी, जैसे रिजर्वेशन की बात है। बाला साहब ने मेरे को इंटरव्यू में कहा था हम रिजर्वेशन में विश्वास नहीं रखते, इकोनॉमिक क्राइटेरिया में विश्वास रखते हैं, और आज उद्धव ठाकरे की सरकार 75% लोग हमारे मराठी होंगे, ये रिजर्वेशन करेंगे, आप कांग्रेस में विलीन हो गए रिजर्वेशन कोटा में। देखिए और स्टेट में क्या चल रहा है, बाला साहब को और सिटी चिंता ही नहीं थी। मैं आपको ये बताता हूँ, बाला साहब ठाकरे जी और शरद पवार जी दो ऐसे नेता थे, जब उनके मुंह से कोई शब्द निकलता था तो लोग उनकी बात मान लेते थे। अब उनके कद का कोई नेता इस देश में नहीं है, इसलिए राजनीति में अब जाति और धर्म की राजनीति जो चल रही है ना हर स्तर पर, आपको झुकना पड़ता है बहुत बार लोगों के सामने। इसलिए आप कंप्रोमाइज फिर बाहर गए ना मेरी बात, ये बात झुकना पड़ता है परिस्थितियों के आगे। परिस्थिति कभी कभी आदमी को झुकाती है सत्ता के रहने के लिए, सत्ता में रहने के नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होता है, एक अस्थिरता का। देखिए महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है आरक्षण के लिए, आप सभी जाति के लोग सड़क पर उतर आए हैं, बाला साहब के होते हुए बाला साहब खुद सत्ता के राजनीति में कभी नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे परिवार का आदमी कभी नहीं बनेगा, ये भी कहा था उन्होंने। दूसरी बात ऐसी है कि बाला साहब ने जो पार्टी बनाई और चलाई वो जाति और धर्म के ऊपर, मुसलमानों को विरोध किया बाला साहब ने, लेकिन वो मुसलमान जो पाकिस्तान के ऊपर बांग्लादेशी, बाकी जो मुसलमान वो हमारे हैं, बाला साहब हमेशा कहते थे। उनकी एक प्रतिमा जो लगाई लोगों ने पेंट की थी वो गलत थी, ये मुसलमान विरोधी, बाला साहब कभी मुसलमान विरोधी नहीं थे। भाई बाला साहब परिवार के खिलाफ तो, गांधी परिवार के खिलाफ तो बोलते रहते थे ना, अब तो उनका सारा परिवार ही सत्ता में है। आपकी एक सरकार है देश के अंदर जिसके अंदर पिताजी और उनका बेटा एक कैबिनेट दोनों हैं, कोई सरकार नहीं है आज तक देश में। उसमें गलत क्या है, अगर पिताजी मुख्यमंत्री है और उनका एक बेटा है जो चुनाव लड़कर जीत कर आया है अच्छी मतों से, और वो स्टेट के लिए काम करना चाहता है, उसकी अपनी कुछ कल्पनाएं हैं और वो सरकार में काम करना चाहता है और पार्टी की इच्छा है, तो उसमें गलत क्या है। हम चाहते थे कि राहुल गांधी उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार में आते तो आज ये कांग्रेस की स्थिति नहीं होती, अनुभव मिलता है। नहीं वो तो यंग लड़का है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो आप लोग जब बीजेपी की सरकार जब थे परिवार गांधी परिवार के ऊपर परिवारवाद का, क्योंकि ठाकरे जी का हमेशा था कि हमारे परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, सत्ता में नहीं रहेगा, ये मानना था। आपकी बात मैं करेक्ट करूंगा, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, ये जो अभी मुख्यमंत्री बना है ना, ये शरद पवार साहब और हम सब लोग जब ये सरकार बना रहे थे तो सरकार का नेतृत्व कौन करेगा उसके ऊपर जब चर्चा हुई, तब एक ऐसा नेता चाहिए जो ये सरकार तीन पार्टी को लेकर आगे जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि उद्धव ठाकरे जी को रिक्वेस्ट करना कि अगर आप इस जोशी थे आपके सीनियर नेता हैं बहुत। नहीं मैंने कहा ना कि हमारे पास सिर्फ एक विकल्प था, उद्धव ठाकरे, ये नाम ऐसा है, ठाकरे नाम ऐसा है महाराष्ट्र में, एक जादू भरा नाम है, सब लोग झुक जाते हैं श्रद्धा से, तो हमने रिक्वेस्ट किया, उद्धव जी नहीं चाहते थे, शरद पवार साहब ने रिक्वेस्ट किया, हम खुद ने रिक्वेस्ट किया, पार्टी के लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सोनिया जी ने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप इस लीडरशिप करेंगे सरकार का तो ये सरकार चलेगी, 5 साल तक चलेगी, ये हमारी सरकार की और स्टेट की मजबूरी है कि हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। पर प्रॉब्लम हो गई थी ना उनको कि उनको तो मोदी जी के होते हुए मुख्यमंत्री बन पाए ना, नहीं तो MLC का चुनाव उनको होने नहीं दे रहे थे, वहाँ के गवर्नर रोक के बैठे हुए थे उनको, तो मोदी जी की थोड़ी सी फेवरेटिज्म तो हुआ ना आपको कि उन्होंने चुनाव करा दिया। देखिए जो फेवरेटिज्म किया है वो तो संविधान के खिलाफ जाकर तो नहीं किया ना, नहीं अभी 12 लोग अभी तो नॉमिनेट नहीं किए गवर्नर साहब ने, ये तो संविधान का मर्डर है। मैंने इस देश में बहुत से राज्यपाल देखे हम लोगों ने, लेकिन इस प्रकार से संविधान के दायरे में जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हुए सिर्फ राजनीतिक विचार से प्रेरित होकर ये सब रोकना, ये संविधान का मर्डर है। तो ये अब जो बार बार देख रहे हैं वहाँ के, मैं तो ज़्यादा वहाँ जाता नहीं, कया नहीं पिछली बैठ गई, वैसे
जो इम्प्रेशन आता है कि वहाँ सरकार तो है पर सरकार का कोई स्ट्रांग नेतृत्व नहीं है, हर अलग अलग खींचे जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ है वहाँ, लॉ एंड ऑर्डर में भी गड़बड़ है, इधर भी गड़बड़ है, रिजर्वेशन पर भी गड़बड़ है, कोई एक यूनाइटेड गवर्नमेंट जो होनी चाहिए। गवर्नमेंट यूनाइटेड अगाड़ी का नेता कौन है? उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है ना, पॉलिटिकल लीडर कौन है? शरद पवार जी। शरद पवार जी सबके नेता, सबके नेता है, और मुख्यमंत्री सरकार के नेता है, मुख्यमंत्री सरकार के नेता है। मुख्यमंत्री शरद पवार जी की सलाह से चलते हैं, कुछ बातचीत अगर कहाँ रुक जाते हैं तो हम सोनिया गांधी जी से सीधी बात करते हैं। तो सोनिया गांधी शरद जी के ऊपर है या बराबर है? नहीं, ये सवाल नहीं, आपने खुद कहा, मैंने तो पूछा नहीं था ये सवाल। हर पार्टी अपने अपने नेता में बिखरी हुई है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस नंबर तीन है ना? नहीं, हम सबको समान मानते हैं। कांग्रेस की सीटें कम है, उसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस नीचे है हम ऊपर है, सरकार में तीनों का रोल समान है। आपका कहना है कि सरकार के नेता हमारे वहाँ पर उद्धव ठाकरे जी हैं, राजनीतिक नेता अगाड़ी के शरद पवार जी हैं, और राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी है। जी हाँ, क्यों नहीं, अगर हम तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो सबको सम्मान देना ही चाहिए ना। आपको सोनिया गांधी को नेता मानना ही पड़ा है ना? क्यों नहीं मानेंगे, क्या मोदी जी नहीं मानते क्या? अगर कोई बिल रुक जाता है पहले जाता था तो सरकार, वो तो सरकार में नहीं है ना, वो तो कंसल्टेशन है, यहाँ तो आपके साथ सरकार में है ना, कंसल्टेशन होती है। अगर सोनिया गांधी जी नहीं चाहती तो सरकार नहीं बनती, ये भी सच है। देखो हम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, पर अगर कांग्रेस नहीं चाहती कि सरकार नहीं बनाने हमको तो सरकार ही नहीं बनती। हाँ, नहीं बनती, ठीक बात है। तो कांग्रेस की, अगर कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने का फैसला किया है तो उनके नेताओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य। हाँ, बोलो, ये तो वैल्यू, ये तो कॉस्ट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, कि अगर सत्ता में रहना है, कांग्रेस से समर्थन लेना, उनके नेता को अपना नेता मानना पड़ेगा आपको। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस क्या पाकिस्तान से आई है क्या? इस देश की पॉलिटिकल पार्टी है, 60-70 साल से राजनीति में है, स्वतंत्रता संग्राम में पंडित नेहरू से लेकर आज तक बड़े बड़े नेता इस देश में हुए हैं, तो उनका योगदान इस देश बनाने में है, तो कांग्रेस के खिलाफ हमारे मन में वो कटुता नहीं है। पर शिवसेना का जो अपना एक आइडेंटिटी थी, हिंदू हिंदर सपाट, वो उद्धव ठाकरे को वो उपाधि क्यों नहीं मिली अभी तक, या मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें एक ब्रेक के बाद छोड़ो। जाओ और गहराई में जाओ, सच मिलेगा। ए, सच के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो, कोई झूठा सच निकाल के लाओ। अरे ये सच बात हो, ये बाहर आ गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तुम्हें पता है ना मुझे कैसा सच पसंद है, जिसमें कंट्रोवर्सी हो, ड्रामा हो, कोई कहानी बनाओ। हम तो कहानी बना देंगे, पर उनका क्या? ये सच की कितनी झूठी कहानियां बनाए, सच्ची खबर अभी जिंदा है। आज तक सबसे तेज, आज तक फिर से अव्वल नंबर पर, यूट्यूब पर कंपटीशन से दो गुना से भी ज्यादा व्यूज, सीधी बात के नितिन गडकरी एपिसोड पर भी सबसे ज्यादा व्यूज, आज तक नंबर वन, बेमिसाल 20 साल। आज तक फिर से अव्वल नंबर पर, यूट्यूब पर कंपटीशन से दो गुना से भी ज्यादा व्यूज, सीधी बात के नितिन गडकरी एपिसोड पर भी सबसे ज्यादा व्यूज, आज तक नंबर वन, बेमिसाल 20 साल। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज, सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं संजय राउत से, हिंदू इंद्र सुराट, ये एक उपाधि अभी तक लोगों के मन में वहाँ पर है, मराठी के लोगों के बारे में, महाराष्ट्र के लोगों के बारे में। अगर ट्रांजिशन होता है, जैसे एक बात से दूसरी तरफ जाती है जैसे, तो उनके पास उद्धव ठाकरे जी उस तरह की इमेज नहीं बन पा रही है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज में बात कर रहा हूं। बनेगी भी नहीं, बाला साहब ठाकरे है, दूसरे बाला साहब ठाकरे निर्माण नहीं होगा। हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट भी बाला साहब ठाकरे ही रहेंगे, और उनके उनको ये शोभा देता है पद। हम दो हिंदू हृदय सम्राट को मानते हैं, एक स्वतंत्र वीर सावरकर जिसे हम हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, और उनके बाद बाला साहब ठाकरे,
इनको लोगों ने ये उपाधि दी है कि ये हिंदुदेव सम्राट है। पर एक बात और राजीव देखने में आता है, शरद पवार जी ने आपने कहा कि नेता हमारे हैं, अखबारों में उन्होंने पढ़ा शरद पवार जी कुछ नाराज हैं, होम डिपार्टमेंट डिस्ट्रेस चल रही है सरकार वहाँ पर, उनकी वजह से जैसे आपने शिफ्ट किया, परमवीर को शिफ्ट किया, वादे को शिफ्ट किया, ऐसे लगता है कि माफिया वहाँ पर फिर से एक्टिव हो गया। माफिया? ये माफिया तो है ना, गाड़ी मिल जाती है कहीं पर, आपकी गाड़ी अंबानी साहब के घर है, मुकेश अंबानी घर के बाहर गाड़ी मिल जाए। देखिए माफिया शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्राइम हुआ है, क्राइम होना एक जगह पे, यानी ये शिकागो की तरह माफियागिरी शुरू हो गई ऐसा नहीं है। मुंबई में आज भी कानून व्यवस्था है, इतने लोग मुंबई में बड़े बड़े छोटे छोटे लोग रहते हैं, महिलाएं सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करूँगा कि जो बार बार मीडिया में या अपोजिशन के लोग बोलते हैं कि अंबानी जी के घर के सामने एक विस्फोटक भरी हुई गाड़ी के घर के बाहर एंटेलिया के घर के बाहर एंटेलिया बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये बिल्डिंग के सामने गाड़ी थी, उस एरिया में हो सकती है, और जो कारमाइकल रोड है उससे लगभग 1 किलोमीटर के परिसर में वो गाड़ी है। यहाँ एक गाड़ी है और आप कह रहे हैं कि एंटेलिया से बहुत दूर थी गाड़ी वो। मेरे हिसाब से गाड़ी दूर है वो, हिसाब से पुलिस के पास रिपोर्ट होगी कहाँ मिली, पुलिस को बताना चाहिए। लगभग आधा किलोमीटर दूर, मैं तो मानता हूँ 1 किलोमीटर दूर थी। अब यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं सफदरजंग लेन पर रहता हूँ, मेरे घर के सामने एक इस प्रकार से जिलेटिन भरी हुई गाड़ी 20 का मिली है। तो गाड़ी संजय राउत के घर के सामने मिली है, मोदी जी थोड़ा 1 किलोमीटर दूर मेरे से है, वो मोदी जी के घर के सामने नहीं मिले ये मानता हूँ मैं। एनआईए आ गई उसके अंदर, इसका नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी ना। एनआईए क्या, केजीबी आने दो या सीआईए आने दो सर, आप तो परेशान है ना ये से कि वादे, क्योंकि शिवसैनिक था आपके यहाँ, इसलिए उद्धव ठाकरे ने स्टेटमेंट दे दिया उसके बारे में। हम थोड़े भी परेशान नहीं है, हमको परेशान होने की बात ही नहीं है, परेशान वो लोग होंगे जो जांच कर रहे हैं। वो लोग तो देखो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी जांच करने के लिए आ गई इतनी बड़ी टीम, क्या हो गया, कहाँ है, उसने आत्महत्या किया हत्या किया बताइए, हम भी देख रहे हैं, 6-7-8 महीना हो गया, इतने ढोल नगारे पीट कर सीबीआई को भेजा था आपने, क्या हो गया, कहाँ है सीबीआई की टीम, रिपोर्ट कहाँ है सुशांत सिंह की, हाँ बताइए। ये तो अपोजिशन का काम होता है, अपोजिशन को अपना काम करने दीजिए, उनको और 3 साल निकालना है। जैसे वादे के बारे में डिफेंस में खड़े हुए आप लोग, चीफ ने स्टेटमेंट दिया पहली बार किसी के बारे में दिया, वो शिवसैनिक तो था ही, मेंबर था आपका, उसका मेंबरशिप उसने नहीं ली, उसके बाद रीइंस्टेट आपने किया, वो आप क्लोज तो था ना, इस तरह के आदमी आपकी पार्टी में कैसे आ जाते हैं। देखो शिवसेना जो है ये कोई बैंड संगठन है क्या, ऐसे आदमी तो बैंड होने चाहिए ना। शिवसेना कोई बैंड संगठन है कि एससीबी या जैसे मोहम्मद या कोई देशद्रोही संगठन है, एक प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, जैसे आरएसएस होता है, जैसे और है, संगठन है, देखो मतभेद है संगठन है। अगर उससे कोई व्यक्ति जुड़ा है 20 साल पहले 10 साल पहले तो तकलीफ क्या है लोगों को, क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसकी जाँच होगी, जांच होने के बाद जो तथ्य सामने आएगा तब पता चलेगा एक्चुअल क्या हुआ था, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उसमें मोटिव क्या है। देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं कि आपके उनके पास इन्फॉर्मेशन आपकी सरकार से ज्यादा होती है। देखिए देवेंद्र उनके पास कई बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, परमवीर नहीं है, ये वादे तो एक वो जो है ना प्यादा है, बाकी लोग बड़े बड़े लोग हैं। इस प्रकार के आरोप लीडर ऑफ अपोजिशन को करने पड़ते हैं, हमने भी किए हैं जब हम अपोजिशन में थे, तो इससे बढ़ चढ़कर हमने भी बातें की है। मैं देखता हूँ गत 2-4 महीने से देवेंद्र जी एज लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऐसा काम करते रहना चाहिए। आपको एक्सपोज करते रहते हैं रोज बिना, हमको क्या एक्सपोज, वही एक्सपोज हो रहे हैं, इतनी गलत और झूठी बातें फैलाकर सब हर बार मिसफायर हो रहा है, चाहे सुशांत सिंह का केस हो या और कोई केस हो, सच नहीं है। आपकी सरकार तो स्टेबल नहीं लगती है। हमारी सरकार इस देश में सबसे ज्यादा स्टेबल सरकार है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है। देखो अघाड़ी की सरकार में थोड़ी बहुत हलचल होती है, 3 भिन्न विचारों की पार्टी है, अब 1.5 साल हो गया है, अब दिल और सब एक साथ मिल गए हम लोग विचारों से, दिल से। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, आपको लगता नहीं कि राष्ट्रीय लेवल पर इस वक्त स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत है? देखिए ये महाराष्ट्र का जो प्रयोग हुआ है ना, एक एक्सपेरिमेंट, वो बेहतरीन, और पूरे देश हमारे तरफ देख रहा है। हमने बार बार आह्वान किया है
कि यूपीए का रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। आप यूपीए में अभी है नहीं? अभी हम एनडीए से तो हम बाहर निकल गए, अकाली दल एनडीए से बाहर है, ममता जी एनडीए यूपीए में नहीं है, मोदी की बीजेपी में भी एनडीए में भी नहीं है, ऐसे बहुत से पॉलिटिकल छोटे बड़े रीजनल पार्टीज है जो ना एनडीए में है ना यूपीए में है। यूपीए में क्यों नहीं है, ये एक संशोधन का विषय है। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना है अभी तो यूपीए को मजबूत करना पड़ेगा, और यूपीए को अगर मजबूत करना है तो यूपीए की लीडरशिप किसी ऐसे नेता के पास देना चाहिए जो एक्टिव लाइफ है, जो एक्टिव भी हो और पूरे देश में उसको एक्सेप्टेंस हो अपोजिशन में। आज तो हम अपोजिशन में हैं। तो कौन ऐसा लीडर आपके लिए? अभी तो मुझे शरद पवार जी का नाम हमेशा मेरे सामने आता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप किधर, आप चाहते हैं कि शरद पवार यूपीए के नेता बन जाए चेयरमैन? सुना जी की वो एक्टिव नहीं है अपने कारणों से, आपकी इच्छा है कि उससे ऑपोजिशन मजबूत होगी? डेफिनेटली होगी। देखिए अभी केरल में कांग्रेस के कुछ नेता छोड़कर बाहर चले गए, उनके पास गए, वो एनसीपी में गए, और भी जगह पे लोग एनसीपी में जा रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके ये होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी आज है। कांग्रेस बढ़ेगी तो यूपीए भी बढ़ेगी, लेकिन यूपीए बढ़ने के लिए यूपी का नेतृत्व जो है शरद पवार जी इस वक्त सबसे बड़े नेता, बड़े नेता है शरद पवार जी। सब उनको चाहते भी है, सब उनके ऊपर विश्वास भी रखते हैं, उनको पॉलिटिकल समझ है अच्छी तरह से, सबको साथ लेकर वो काम कर सकते हैं, और वही एनडीए को हरा सकते हैं इकट्ठे होकर के, और वो टक्कर दे सकते हैं। तो मोदी जी के बारे में क्या कहना है आपका? मैं हमेशा मोदी जी का आदर किया है। देखिए मोदी जी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हमने मोदी जी को हमेशा हमारा नेता ही माना है। प्रधानमंत्री देश का नेता होता है चाहे किसी भी पार्टी का हो, और हमने तो इतने साल एक साथ काम किया है, ऐसा कोई रिश्ता टूटता नहीं ना, व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है किसी के साथ हमारी। अब हम हमारे रास्ते अलग है, ठीक है। आज भी मुख्यमंत्री के जो परिषद होती है कॉन्फ्रेंस, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बात करते हैं, संसद में आमने सामने आप मिलते हैं, हम उनका आदर करते हैं, वह हमारा आदर करते हैं। तभी आप संजय रावत जो हैं इतने इम्पोर्टेंट थर्ड टर्म है आपकी, तभी आप यूपीए को स्ट्रेंथन करने के लिए शरद पवार जी को कब तक आगे लाएंगे? नहीं, शरद पवार जी को आगे लाने की जरूरत ही नहीं है, शरद पवार अपने आप में एक बड़े नेता है। हाँ, तो उनको जब तक यूपीए का बनाएगा नहीं तब तक कैसे आएंगे? नहीं, हम सब कांग्रेस से बात कर रहे हैं ना, हम लोग कांग्रेस से और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, सबसे बात कर रहे हैं, हमारी सबसे बातचीत चल रही है, हम मिलते भी है दिल्ली में, बातचीत होती है हमारे, लेकिन अब टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लोग भी चाहते हैं, कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा गट है, वो चाहता है तो, कि कुछ बदलाव तो लगता है आपको यूपीए की नई लीडरशिप जल्दी हो होनी चाहिए, और कांग्रेस के सम्मति से होनी चाहिए। थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार करिए तब तक, और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।